सनब्लॉक क्या होते हैं? सनब्लॉक इस तरह के कंपाउंड या केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को सूरज की शुआओं से बचाते हैं। हमें सनब्लॉक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज की शुआएं दो तरह की होती हैं, नजर आने वाली यानी विजिबल लाइट और ना नजर आने वाली यानी अल्ट्रावायलेट रेज। सूरज की ना नजर आने वाली शुआएं यानी अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। ये इन दिनों में भी मौजूद होती हैं जब वेदर क्लाउडी होता है। अल्ट्रावायलेट रेज तीन तरह की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। अल्ट्रावायलेट सी रेज ओजोन लेयर के थ्रू फिल्टर हो जाती हैं और हमारी स्किन तक नहीं पहुंच पाती। हमारी स्किन पर सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए और बी ही अफेक्ट करती हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेज स्किन की ऊपर वाली लेयर पर असर करती हैं और स्किन के ऊपर रेडनेस कर सकती हैं और स्किन को बर्न कर सकती हैं। इसके अलावा स्किन का कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अल्ट्रावायलेट ए रेज स्किन की डीपर लेयर्स तक पहुंचती हैं और स्किन की डीपर लेयर में मौजूद कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्ली एजिंग और स्किन की सैगिंग स्टार्ट हो जाती है और स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। विजिबल लाइट हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग और पिगमेंटेशन पैदा करती है। सन के अलावा हमारी स्किन विजिबल लाइट को एक्सपोज होती है थ्रू टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल फोन स्क्रीन और एलईडी लाइट्स के थ्रू। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने डेली 8 घंटे गुजारें तो ये तकरीबन 20 मिनट के सन एक्सपोजर के बराबर होता है। इसलिए हमें अपनी स्किन को इन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए सनब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि सनब्लॉक हमारी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली सनब्लॉक मिनरल कंपोनेंट और केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जो मिनरल कंपोनेंट होते हैं वो सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो सन रेज को एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे सनब्लॉक में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए और कितनी देर के बाद री अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छा सनब्लॉक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी कि इसको अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों रेज के अगेंस्ट अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसकी SPF 30 प्लस होनी चाहिए। प्रोटेक्शन फैक्टर अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए रेज यानी PA फैक्टर 3 प्लस होना चाहिए। ये वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। सनब्लॉक को 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर लगाना चाहिए और हमेशा इसको अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोज्ड स्किन के ऊपर लगाना चाहिए। फेस की स्किन के ऊपर एटलीस्ट 1 टीस्पून की क्वांटिटी में सनब्लॉक लगाना चाहिए। सनब्लॉक को हर 2-3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना चाहिए। हमें 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सनब्लॉक इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ब्रॉड ब्रिम हैट्स, शेड्स और अम्ब्रेला का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि सनब्लॉक का SPF कितना होना चाहिए। क्या ज़्यादा SPF वाला सनब्लॉक इस्तेमाल करना बेटर रहता है? बेसिकली SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमें बताता है कि सनब्लॉक हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज के अगेंस्ट कितना अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर SPF 30 हो तो ये नियरली 97% अल्ट्रावायलेट बी लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। अगर SPF 50 हो तो नियरली 98% अल्ट्रावायलेट बी लाइट को ब्लॉक करता है। बेसिकली एक सनब्लॉक की अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन उसकी अल्ट्रावायलेट बी प्रोटेक्शन का 1/3 पार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा SPF वाले सनब्लॉक अल्ट्रावायलेट बी के अगेंस्ट तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। सो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा SPF वाले सनब्लॉक इतना अच्छा बेनिफिट नहीं दे पाते। सो सनब्लॉक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा SPF वाला सनब्लॉक इस्तेमाल करने का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। अब हम बात करते हैं सनब्लॉक्स की टाइप्स के बारे में। केमिकल सनब्लॉक मार्केट में लॉन्च किए गए केमिकल सनब्लॉक्स की टाइप्स के बारे में। ये सनब्लॉक्स टिंटेड सनब्लॉक्स भी होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सायरा मोहसिन आपको स्किन सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर सायरा मोहसिन के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूं। इस प्लेटफॉर्म में आपको स्किन, हेयर और नेल से मुतल्लिक तमाम मसाइल, उनकी वजूहात, उनसे पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस
और उनके इलाज से मुतालिक मुकम्मल और मुस्तनिद रहनुमाई फराहम की जाएगी। अब हम बात करते हैं सन ब्लॉक्स की टाइप्स के बारे में। सन ब्लॉक केमिकल भी होते हैं और फिजिकल भी। फिजिकल सन ब्लॉक्स ऐसे सन ब्लॉक होते हैं जो लगे हुए नजर आते हैं। आपने अक्सर क्रिकेटर्स को देखा होगा कि उन्होंने अपने नोज और चीक्स के ऊपर व्हाइट कलर की क्रीम लगाई होती है। ये एक्चुअली फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं। ये हमारी स्किन के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं और ऐसी लेयर बना देते हैं जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज का पास होना बहुत मुश्किल होता है। ये सन ब्लॉक स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल लाइट दोनों से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग ऐसी क्रीम का इस्तेमाल पसंद नहीं करते जो लगी हुई नजर आए, इसलिए फिर केमिकल सन ब्लॉक मार्केट में लॉन्च किए गए। केमिकल सनब्लॉक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जेल फॉर्म, लोशन, क्रीम या पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं और जिल्द में जजब होकर नजर नहीं आती। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल सनब्लॉक्स की टाइप्स के बारे में। ये सनब्लॉक्स टिंटेड सनब्लॉक्स भी होते हैं और नॉन टिंटेड सनब्लॉक्स भी होते हैं। नॉन टिंटेड सनब्लॉक्स मैट फिनिश, जेल बेस्ड और क्रीम फॉर्म में अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सन ब्लॉक को ना सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए और बी दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, बल्कि विजिबल लाइट के अगेंस्ट भी उतनी ही अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए विजिबल लाइट के अगेंस्ट टिंटेड सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। टिंटेड सन ब्लॉक्स में फिल्टर्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ये विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और स्किन को विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सन ब्लॉक्स यूजुअली स्किन टोन के कलर में अवेलेबल होते हैं और स्किन पे बीबी क्रीम या एक फाउंडेशन का इफेक्ट देते हैं। टिंटेड सनब्लॉक्स नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन पे भी यूज हो सकते हैं। अब हम नॉन टिंटेड सनब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये सनब्लॉक्स स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और नजर नहीं आते। चूंकि ये प्रोडक्ट्स जिल्द में जजब होकर जिल्द की डीपर लेयर्स में पहुंचती हैं और फिर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके खत्म करती हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को धूप में निकलने से एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स बिफोर लगाना चाहिए। और जितनी देर भी हमारी स्किन सनलाइट को या आर्टिफिशियल लाइट को एक्सपोज रहती है तो हर 2 से 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक्स को रीअप्लाई करना चाहिए। सन ब्लॉक को ना सिर्फ ये के चेहरे पर लगाएं बल्कि गर्दन और हाथों पर भी लगाना चाहिए। और अगर आप स्लीवलेस शर्ट्स या ओपन शूज पहन रहे हैं तो बाजुओं और पैरों पर भी लगाएं। और सन ब्लॉक को हमेशा अच्छी क्वांटिटी में लगाना चाहिए। इन तमाम जगहों पर एटलीस्ट एक छोटे साइज के लेमन के बराबर सन ब्लॉक की मिकदार लगानी चाहिए। सन ब्लॉक यूज करने से पहले हमें अपनी स्किन टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि सन ब्लॉक को अप्लाई कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी स्किन टाइप का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पहली लेयर के तौर पर स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाइए और फिर उसके ऊपर सनब्लॉक लगाइए। ड्राई स्किन के लिए यूजुअली क्रीम फॉर्म में सनब्लॉक बेहतर रहते हैं। ऐसे सनब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स भी शामिल हो। ऑयली स्किन के लिए सीबम कंट्रोल जेल बेस्ड सनब्लॉक या फिर सिलिकॉन जेल बेस्ड सनब्लॉक का इस्तेमाल बेस्ट रहता है। इनके इस्तेमाल से स्किन बहुत स्मूथ और प्लम नजर आती है क्योंकि ये स्किन के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं। लेकिन सिलिकॉन बेस्ड सनब्लॉक्स एक्नी प्रोन स्किन पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि इन सर्टेन केसेस में ये एक्नी को एग्रोवेट कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए वो सनब्लॉक बेहतर रहते हैं जिनमें मिनरल कंपोनेंट शामिल हों, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन से रिफ्लेक्ट कर सके। जिन लोगों की स्किन नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है वो क्रीम, लोशन, जेल या पाउडर कोई सी भी फॉर्म में सनब्लॉक लगा सकते हैं। डिपेंड्स कि उनको अपनी स्किन पर किस तरह की फिनिश चाहिए। अब हम बात करते हैं सन ब्लॉक के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। चूंकि सन ब्लॉक अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लोगों को सन ब्लॉक लगाने के बाद स्किन में हीट अप की सेंसेशन आती है या रेडनेस हो सकती है। तो ऐसे केसेस में सन ब्लॉक लगाने से पहले स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो सन ब्लॉक को चेंज किया जा सकता है। दूसरा पॉसिबल साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि कुछ लोगों की स्किन सन ब्लॉक के रेगुलर इस्तेमाल के बाद डार्कन हो जाए। स्किन ब्लॉक अल्ट्रावायलेट रेज को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वजह से आरजी तौर पर स्किन की टैनिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी सन ब्लॉक हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी स्किन पर मुस्तकिल तौर पर प्री मेच्योर एजिंग और पिगमेंटेशन के साइंस आ सकते हैं। जिन लोगों के फेस पर एक्टिव एक्ने होती है तो उनको सन ब्लॉक का इस्तेमाल सजेस्ट नहीं किया जाता। अगर उन लोगों ने बाहर जाना हो तो उनको शेड्स, अम्ब्रेला, ब्रॉड ब्रिम हैट्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आपको मार्केट में अवेलेबल कुछ बेहतरीन सन ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने स्किन के अकॉर्डिंगली बेस्ट सन ब्लॉक की चॉइस करने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा जरूर करें। शुक्रिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके चेहरे पे छाइयां हैं तो आपको अपनी डेली स्किन केयर में कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप इन छाइयों को जल्द से जल्द ठीक कर सकें।
आई एम डॉक्टर सायरा मोहसिन, स्किन स्पेशलिस्ट। अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में कौन से स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम छाइयों से जल्द छुटकारा हासिल कर सके। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो डेली स्किन केयर रूटीन जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किन को जल्द बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड स्किन केयर के बारे में जान सकें। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप अपने फेस को किसी अच्छे फेस क्लींजर से वॉश कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल फेस क्लींजर यूज कीजिए। अदरवाइज कोई सा भी अच्छा फेस क्लींजर जो आपकी स्किन की टाइप के मुताबिक हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन को ड्राई करने के बाद विटामिन सी सीरम के 4-5 ड्रॉप्स फेस की स्किन के ऊपर लगाइए और खुश्क होने दीजिए। उसके बाद अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर लगाइए और सन ब्लॉक लगाइए। इस स्किन केयर रेजिम को सेम स्टेप्स के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। रात में अगेन आप अपने फेस को फेस वॉश से साफ कीजिए और उसके बाद डार्क स्पॉट्स पर नाइट क्रीम अप्लाई कीजिए। छाइयों की ट्रीटमेंट के लिए ओवर द काउंटर बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि छाइयों की ट्रीटमेंट के लिए बहुत से कंपाउंड्स यूज होते हैं जिनमें हाइड्रोक्विनोन 2-4%, रेटिनॉइड्स, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन वगैरह शामिल हैं। ये डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट क्रीम्स के अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में मौजूद होते हैं। इन क्रीम्स को बहुत ही कम मिकदार में अफेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए, लेकिन आपके लिए कौन सी क्रीम मुनासिब है और इस क्रीम को किस मिकदार में लगाना है और कितनी देर तक लगाना है इसके बारे में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बेहतर तौर पर रहनुमाई फराहम कर सकता है। अब हम बात करेंगे वीकली स्किन केयर रूटीन के बारे में जो की जाती है स्किन पीलिंग के जरिए। स्किन पीलिंग से मुराद है स्किन की ऊपर वाली लेयर को उतार देना। स्किन की ऊपर वाली लेयर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, एजिंग प्रोसेस और स्ट्रेस की वजह से डल हो जाती है। इसको उतार देने से स्किन की डलनेस कम होती है और स्किन ब्राइट हो जाती है। स्किन पीलिंग डिफरेंट कंपाउंड्स के जरिए की जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स शामिल है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मंडेलिक एसिड शामिल है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में सैलिसिलिक एसिड शामिल है। ओवर द काउंटर ऐसे बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल हैं जिनमें ये कंपाउंड्स फिक्स्ड कंसंट्रेशंस में मौजूद होते हैं, लेकिन हो सकता है ये फिक्स्ड कंसंट्रेशन वाले सीरम आपकी स्किन को सूट ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करके अपनी स्किन के मुताबिक पीलिंग कंपाउंड रिकमेंड करवाएं, क्योंकि आपको किस कंसंट्रेशन में स्किन पीलिंग रिक्वायर्ड है वो आपको स्किन के क्लिनिकल चेकअप के बाद ही बताया जा सकता है। और ये कंपाउंड आप कहाँ से डिस्पेंस करवा सकते हैं यानी कि बनवा सकते हैं वो भी आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको गाइड करेगा। ये सारी स्किन केयर रूटीन आप 4-6 महीने तक फॉलो करें और अगर उसके बावजूद भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक ना हो रही हो तो इसका ये मतलब है कि आपको कुछ दूसरे क्लिनिकल प्रोसीजर्स की जरूरत है जिसमें स्ट्रॉन्गर केमिकल पील्स, मीजोथेरेपी और लेजर थेरेपी शामिल है। इन तमाम प्रोसीजर्स के बारे में हम आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में गाइड करेंगे। So stay tuned with us. Thank you. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि सन ब्लॉक से मैक्सिमम फायदा हासिल करने के लिए जरूरी है कि उसको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज किया जाए, तो इस वीडियो में हम आपको मार्केट में अवेलेबल सन ब्लॉक के कुछ बेहतरीन ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जिनको आप अपनी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंगली यूज करके मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक गौर से देखिए ताकि आप डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सन ब्लॉक्स के बारे में जान सकें। Sunblocks for oily skin. Sunblocks for dry skin. Sunblocks for normal to combination skin. Sunblocks for sensitive skins. उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद सनब्लॉक से रिलेटेड आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो ना सिर्फ ये कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें बल्कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। थैंक यू।
विटामिन सी सीरम एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग कंपाउंड है। यह फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है और पिगमेंटेशन को कम करके स्किन को स्मूथ करता है। हम बेस्ट विटामिन सी सीरम कैसे चूज कर सकते हैं? यूजुअली 10-20% कंसंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम स्किन पर लगाना सेफ होता है। मार्केट में अवेलेबल कुछ सीरम्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ विटामिन सी ही मौजूद होता है, लेकिन कुछ सीरम्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी के साथ विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, फेरुलिक एसिड और ग्लूटाथायोन भी शामिल होते हैं। ये वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दोनों फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हैं। विटामिन सी का स्टेबल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी पैकेजिंग यूजुअली डार्क कलर्ड ग्लास बॉटल्स में की जाती है। विटामिन सी सीरम की कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज हम आपको पाकिस्तान में अवेलेबल कुछ विटामिन सी सीरम्स के बारे में बताएंगे जिनका रेगुलर यूज करके आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। एक्नी सी 10 सीरम, इसमें विटामिन सी 10% कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। बेला सी सीरम, इसमें विटामिन सी प्लस ग्लूटाथायोन प्लस विटामिन ई और विटामिन ए भी अवेलेबल है। ऑक्सीडो सी विटामिन सी सीरम, इसमें विटामिन सी प्लस फेरुलिक एसिड प्लस डी पेंथिनॉल, टोकोफिराइल एसीटेट एंड हाइलुरोनिक एसिड्स भी मौजूद हैं। शायरो विटामिन सी सीरम, इसमें विटामिन सी दो तरह की केमिकल कंपोजिशन में मौजूद है, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट एंड सोडियम एस्कॉर्बेट। विटामिन सी ना सिर्फ ये के सीरम्स की फॉर्म में अवेलेबल है बल्कि बॉडी लोशंस और क्रीम्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हम आपको कुछ क्रीम्स और बॉडी लोशंस के बारे में भी बताते हैं। सिलिक्स सी क्रीम, सी वाइटा क्रीम, सी क्रीम। कुछ क्रीम्स में विटामिन सी ग्लूटाथायोन के साथ मौजूद होता है, जिस तरह से इवनटोन सी क्रीम, ग्लूटोन सी क्रीम, इवनटोन सी बॉडी लोशन। इसको हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलिक्स बॉडी लोशन, इसमें सिर्फ विटामिन सी मौजूद। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें। शुक्रिया।